खाना खजाना देखने वालों को संजीव कपूर का प्यार भरा नमस्कार। भाई खाने में अगर एक पूरा का पूरा मील वो भी खास तौर से चावल के साथ में हो तो कितना मजा आए। जी हाँ, वैसे कड़ी चावल हो, राजमा चावल हो, हिंदुस्तान में बहुत सारी चावल वाली चीज़ें होती हैं। अब चाहे वो पुलाव हो, बिरयानी हो, चावल हमारे यहाँ पर बहुत खाया जाता है। और अगर हम देखें जितना कोस्टल इलाका है हमारा और तीन तरफ हमारे यहाँ पर समुंदर है और वहाँ पर चाहे वो महाराष्ट्र हो, बंगाल हो या साउथ के जितने स्टेट्स हैं, चावल ही चावल खाते हैं। तो आज के एपिसोड में राइस बोल, इसमें एक वेजिटेरियन बनाते हैं पालक और कॉर्न के साथ। तो चावल आप अपनी पसंद का ले लें। यहाँ पर ये चावल पके हुए एक बोल के अंदर मैंने डाल दिए हैं और अब इसको हम सर्व करेंगे। क्या बनाया जाए, चलिए ये एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल में इसे हम बनाते हैं। तो एक काम करता हूँ, मैं पहले थोड़ी सी तैयारी कर लेता हूँ मैं। और ये तैयारी है, ये प्याज और उसके साथ साथ अगर आपके पास में हो तो रेड कैप्सिकम। ये एक्चुअली गार्निश तैयार कर रहा हूँ मैं, इसे सिर्फ ग्लेज करना है हमने। ये पका लिया तो इसे निकाल लेते हैं। अच्छा, अब इसके बाद चावल तो पके हुए हैं तो थोड़ा सा तेल, और ये जो हम बनाएंगे स्पिनच की डिश है, गार्लिक, थोड़ा गार्लिक फ्लेवर ज़्यादा। लेकिन अगर आपको गार्लिक से परहेज़ है, अगर आपको गार्लिक अच्छा नहीं लगता तो बिना गार्लिक के बनाएं। तो लहसुन इसके अंदर डाला, हल्का सा सौते किया, और ये मेरे पास है पालक। पालक जो है उसको प्यूरे करना है हमने, और वाह क्या खुशबू आ रही है। अच्छा, इसके बाद ये पालक जो है ये ज़्यादा नहीं पकाना है, ब्लांच किया हुआ है। उसके बाद ये कॉर्न जो है, अब इसमें थोड़ा स्मूथनेस देने के लिए इसमें हम डालेंगे ये चीज़, ये है वाइट सॉस। जी हाँ, वाइट सॉस बनाने का तरीका जो है बड़ा सिंपल। इक्वल क्वांटिटीज ऑफ बटर एंड फ्लावर, जितना मक्खन उतना मैदा या आटा। मक्खन को मेल्ट करके उसके अंदर थोड़ा सा भून लें, जब मैदे की कच्ची स्मेल चली जाए फिर उसके अंदर दूध डालें और उसे गाढ़ा कर लें, नमक पेपर डालें। वाइट सॉस तैयार, चीज़ डालना चाहें तो चीज़ भी डाल सकते हैं। चलिए, अच्छा ये राइस के साथ खानी है तो इसके लिए ज़रूरी है कि इसमें जो हमारे पास इसकी कंसिस्टेंसी है वो ऐसी होनी चाहिए कि राइस के साथ वो ड्राई ना लगे। और इसमें डालते हैं सॉल्ट। अब जो है इसके अंदर कुछ बाकी नहीं बचा है, सिर्फ ये करना है अगर आपको इसे थोड़ा सा और लेविश बनाना है, रिच बनाना है, तो इसमें थोड़ी क्रीम डाली जा सकती है, लेकिन उसके बिना भी बहुत अच्छा लग रहा है। मैं तो कहूँगा कि ना ही डालें। तो ये हमारे पास कॉर्न और पालक, ग्रेवी वाला, और इसे चावल में डाल दें सेंटर में। और जो चावल है वो थोड़ा, क्योंकि जितना चावल है उसके हिसाब से ग्रेवी होनी चाहिए। और बहुत ज़रूरी चीज़, ये प्याज और कैप्सिकम जिसे हमने पहले से थोड़ा ग्लेज किया हुआ है, ये देखिए दिखने में बढ़िया, क्या अच्छा दिख रहा है। लेकिन अभी भी इसको और इम्प्रूव कर सकते हैं। वो कैसे, इसमें डालेंगे थोड़े टोस्टेड सेसमी सीड्स। और ये लीजिए, ये पालक और कॉर्न राइस बोल तैयार। और बहुत सारी राइस बोल डिशेस आपके पास आ रही हैं, अभी तो नोट करें इसके इंग्रेडिएंट्स, उसके बाद इसका क्या। इसके लिए हमें चाहिए 3/4 कप पालक की प्यूरी, 1/2 कप मकई के दाने उबले हुए, 3 कप बासमती चावल उबला हुआ, 1 बड़ा चम्मच तेल, 2 प्याज छोटे टुकड़ों में कटी हुई, 1 लाल शिमला मिर्च छोटे टुकड़ों में कटी हुई, 8 लहसुन की कलियां कटी हुई, 1/2 कप व्हाइट सॉस, नमक स्वाद अनुसार और 2 बड़े चम्मच तिल भुने हुए। इसे बनाने के लिए एक पैन में तेल गर्म करके इसके अंदर प्याज और लाल शिमला मिर्च डालकर सौते करें और इसे निकाल लें। उसी पैन के अंदर लहसुन डालकर भून लें। इसके अंदर पालक की प्यूरी, मकई के दाने, व्हाइट सॉस और नमक डालकर इसे करीब 2 मिनट तक पकाएं। इसे सर्व करने के लिए सर्विंग बोल के अंदर पके चावल डालें, ऊपर से पालक और मकई की ग्रेवी को डालें
और इसे भुनी प्याज, लाल शिमला मिर्च और तिल से सजाएं और तुरंत सर्व करें।